बिहार में जातीय गणना पर एक बार फिर से पेंच फंस सकता है। कल जाति आधारित जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पटना हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। अभी 5 दिन पहले ही पटना हाई कोर्ट ने जातीय गणना कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब कल इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिस पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। महागठबंधन इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहा है, तो बीजेपी का यह दावा है कि महागठबंधन ने अड़ंगा लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस रिपोर्ट देखिए। जातीय गणना को सुप्रीम चुनौती, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम याचिका, सोमवार को सुनवाई, सियासत गरमाई। बिहार में जाति आधारित गिनती पर एक बार फिर पेंच फंस सकता है। 1 अगस्त को पटना हाई कोर्ट से गिनती पर रोक हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर सोमवार यानी कि 7 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद बिहार में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन के नेता बीजेपी पर जातीय गणना में अड़ंगा डालने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो हमारे विरोधी हैं वो लगातार इस प्रयास में हैं कि जातीय जनगणना पर रोक लगाई जाए। वो तरह तरह से हथकंडे अपना रहे हैं, अड़ंगा लगा रही है बीजेपी। पटना में माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो जातीय जनगणना का कार्य पूरा कराने की अनुमति दे दी है, जो सर्वे कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसको रोकने का कोशिश करती है, बट वो विफल होंगे और जातीय जनगणना होगा। अरे इसमें क्या कठिनाई है किसी को? देखिए, यह बहुत ही स्वाभाविक था कि भारतीय जनता पार्टी बिहाइंड द कर्टन यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की संस्था के माध्यम से वो इस ऑर्डर को, इस डिसीजन को चुनौती देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता, केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार, ये तमाम लोग अति पिछड़ा मानसिकता विरोधी के लोग हैं, दलित विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये वर्ग वंचित शोषित वर्ग समाज की धारा से जुड़ सके। वहीं बीजेपी इसे महागठबंधन की साजिश बता रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए महागठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। किसी न किसी के माध्यम से याचिका दाखिल कराया है और हमें बदनाम करने के लिए। जातीय गणना जो हो रहा है, इस पर हमने तो पूर्व में भी सहयोग किया था। हमारी पार्टी के लोग भी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से सब लोग संपर्क किया था। हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद महागठबंधन सरकार को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लिहाजा सोमवार की सुनवाई पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई है। शिवम, जी मीडिया, पटना।